सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को मिल सकती है प्रदेश का कमान। जी हां, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए चयनित किया जा सकता है। आपको बताते चले, विगत 10 वर्षों से सिवान में सांसद के पद पर स्थापित थे और लगातार भाजपा के विस्तार में काफ़ी अहम भूमिका भी है। पार्टी के विस्तार में पूर्व सांसद ने अपना पूरा योगदान दिया है। वहीं आपको बता दें, 2009 लोकसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ प्रचंड जीत हासिल भी किया था। जैसे ही सूत्रों से इसकी खबर लगी, भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। अब देखना ये होगा कि कब तक पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव को प्रदेश का कमान सौंपा जाएगा। जब इस संबंध में हमारे संवाददाता अमन राज ने पूर्व सांसद से बात किया तो क्या कुछ कहा सांसद ने, आप भी सुनिए। सर, आपको भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें आप? देखिए, हमें अभी इस तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हम पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो भी जवाबदेही देगी, जो भी जिम्मेवारी देगी, हम उसे जी जान से पूरा करेंगे। जी जी, निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। जी जी, धन्यवाद सर।